हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि एपी की एन टर्म्स का सम कैसे निकालना है। सो आज का टॉपिक है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सो अगर आपके पास एक एपी है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, आपने इसकी एन टर्म्स का सम निकालना है, देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? सम ऑफ एन टर्म्स दैट इज गिवन बाय एन अपॉन टू। अगर आप n टर्म्स का सम निकालना चाहते हैं तो n अपॉन टू टाइम्स 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर व्हाट इज a इज फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी एंड d विल बी कॉमन डिफरेंस। दिस इज वन फॉर्मूला। देयर इज वन मोर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम। सम ऑफ n टर्म्स इज ऑल्सो गिवन बाय n upon 2 times a plus l, where a is of course first term and l is last term. n is number of terms जिनका आप sum find out करना चाहते हैं। तो आपके पास दो formulas हैं, n upon 2 2a plus n minus 1 into d, और एक है n by 2 a plus l। ठीक है, जब आपको ये पता हो कि लास्ट टर्म कौन सी है देन आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब आपको ये नहीं पता कि लास्ट टर्म कौन सी है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल नंबर वन, फर्स्ट एग्जांपल इज वेरी सिंपल। फाइंड द सम ऑफ 17 टर्म्स of the AP 5, 9, 13, 17 and so on. Find the sum of 17 terms of the AP 5, 9, 13, 17. So what is the formula for? One more thing, sum of n terms is denoted by SN, S niche n. So yahan pe apne kitni terms ka find out karna hai sum? 17 ka. So we want to find S17. तो यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि लास्ट टर्म कौन सी है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो विच इज़ 17 अपॉन 2, बिकॉज यहाँ पे हमें कितना है 17, हमने 17 टर्म्स का सम निकालना है। 2 टाइम्स a, a इज 5, फर्स्ट टर्म इज 5, प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, व्हाट इज डी? डी हियर इज 9 माइनस 5, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 4, सो इंटू 4, so it is equal to 17 upon 2, 10 plus 16 into 4, which is 17 upon 2, 10 plus 64, which is 17 upon 2, 74, and it is equal to 629, जब आप इसको calculate करेंगे। Next example, example number 2, how many terms of AP minus 2, 3, 8, 13 and so on make the sum 5, 6, 8? तो यहाँ पे क्वेश्चन रिवर्स है। यहाँ पे हमें सम गिवन है कि सम इतना होना चाहिए, हमने इसकी कितनी टर्म्स लेनी है उसका सम फाइंड आउट करना है, ताकि जो सम है वो हमारा कितना बन जाए 5, 6, 8। सो सॉल्यूशन, सो लेट एन टर्म्स बिकम द सम 5, 6, 8, दैट इज एस एन इज 5, 6, 8। एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, which is n upon 2 times 2 into a plus n minus 1 into d. d यहाँ पे क्या है? 3 minus minus 2, which is 5 into 5. So that is given to be 5, 6, 8. जब आप इस equation को solve करेंगे, तो आपके पास एक quadratic बनेगी। Quadratic किस में? n में। उस quadratic को solve करके आपके पास n की दो values आएंगी। अगर तो दोनों values positive इंटीजर हुई, फिर तो आप दोनों को ही एक्सेप्ट कर लेना। अगर कोई एक फ्रैक्शन या नेगेटिव आती है देन उसको आप रिजेक्ट कर देना और उस वाली को ले लेना जो पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू इस केस में आ रहेगी आपकी 16, n की वैल्यू 16, तो यहाँ पे 16 टर्म्स जो है एपी की वो कितना सम बनाएंगी? 5, 6, 8।
Next example. Example 3. Find the sum of all natural numbers between 200 and 400, which are divisible by 7. Solution. तो हमने 200 से लेके 400 के बीच में उन नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है, उन नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करना है विच आर डिविजिबल बाय 7. जब हम 200 से स्टार्ट करते हैं तो पहले तो आप ये चेक कीजिए कि कौन सी नंबर 7 से डिविजिबल है. तो 200 को जब हमने देखा 207, तो रिमाइंडर आप चेक कर सकते हैं, 0 नहीं आएगा. सो 200 इज नॉट डिविजिबल बाय 7. अगर आप चेक करें 201 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं देन यू गेट 7 to 14 एंड दिस इज 6 1. नो, ये भी नहीं जाता. सो रिमाइंडर इज नॉट 0. 201 भी नहीं. तो 202 अगर हम चेक करें और इसको 7 से डिवाइड करें 14 6 2, नहीं, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. तो 203 को चेक करते हैं. 203 7 2 14 6 3, यस, इट इज डिविजिबल बाय 7. सो फर्स्ट नंबर आफ्टर 200 विच इज डिविजिबल बाय 7 इज 203. तो 203 से स्टार्ट हुआ. अब हम 7 से डिविजिबल देखना चाहते हैं, तो अगला नंबर इनके बीच में जो 7 से डिविजिबल होगा उसको आप कैसे ले सकते हो, इसमें 7 ऐड करके. 203 प्लस 7 अगला जो नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल होगा, अगर हम इसमें प्लस 7 कर दें तो ये बन जाएगा 210. नेक्स्ट नंबर विच विल बी डिविजिबल बाय 7 विल बी प्लस 7, दैट इज 217. नेक्स्ट नंबर विल बी 224 एंड सो ऑन. अब हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कहाँ तक जाएगा 400. 400 इज डिविजिबल बाय 7, चेक करते हैं. तो जब आप चेक करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. सो 400 इज नॉट डिविजिबल बाय 7. इससे पहले 399 को अगर आप चेक करें 7 5 35 4 9 7 49, यस, रिमाइंडर इज 0. सो 400 से पहले जो नंबर आया विच इज डिविजिबल बाय 7 इज 399. तो ये जाएगा 399 तक. तो अब तक हमने क्या किया, हमने वो नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट किए हैं 200 से लेके 400 के बीच में जो 7 से डिविजिबल है. तो 203 210 217 224 अप टू 399. तो यहाँ पे हमने इनका सम फाइंड आउट करना है. सम फाइंड आउट करने के जो दोनों दो फॉर्मूले हमने किए हैं, दोनों में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमने कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि ये कितनी टर्म्स है. ये किस फैक्ट से हमें पता चलेगा, ये इस फैक्ट से पता चलेगा कि अगर ये सपोज 10th टर्म हुई, अगर ये 10th टर्म है तो ये टर्म्स कितनी होंगी 10. अगर ये 15th टर्म है तो ये कितनी टर्म्स होंगी 15. तो हम मान के चलते हैं कि ये nth टर्म है. सो लेट nth टर्म बी 399. सो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 399. यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं हम. a आ गया 203 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 डी. डी हियर इज ऑफ कोर्स 7, दैट इज 399. जब हम यहाँ पे n को सॉल्व करेंगे, यू सॉल्व इट फॉर n, देन यू गेट n इक्वल टू 29. सो आपका n आता है 29. तो हमने अब तक क्या किया, हमने ये निकाला कि ये जो टर्म है ये कौन सी टर्म है, 29th टर्म है. अगर ये 29th टर्म है सो इट मीन्स दीज आर 29 टर्म्स. तो हमने इन 29 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. सो एस 29 इज गिवन बाय 29 अपॉन 2. तो मैंने आपको पहले बताया था अगर हमें ये पता है कि लास्ट टर्म कौन सी है तो जो सेकंड नंबर फॉर्मूला है वो लगाना ज़्यादा बेनिफिशियल है. तो 29 अपॉन 2, ए क्या है फर्स्ट टर्म 203 प्लस लास्ट टर्म 399. जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू गेट 8729. नेक्स्ट एग्जांपल,
Next example is the sum of n terms of an AP is same as sum of n terms of the same AP. Find the sum of n plus n terms of this AP. Solution. So what is given? Sum of n terms of an AP. So let the AP be with first term A and common ratio be D. जो AP है उसके हमने first term suppose कर लिया A और common ratio suppose कर लिया D. तो हमें क्या given है? Sum of n terms of this AP. What is sum of n terms? Same as sum of n terms of this AP. So SM is same as SM. यहाँ पे SM का formula लगा लेते हैं. M upon 2, 2A plus M minus 1 into D. That is same as N upon 2, 2A plus N minus 1 into D. 2 cancel. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2a times m minus n plus m square minus m minus n square plus n into d. That is equal to 0. ये सारे terms हम इस तरफ left side ले आए हैं. यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा? 2a times m minus n plus m square minus m minus n times d. That is equal to 0. Now this can be written as 2a m minus n plus m minus n into m plus n, m square minus n square for formula, minus m minus n times d. That is equal to 0. So it means m minus n common, 2a plus m plus n minus 1 into d, that is equal to 0. So sum of m terms is equal to sum of n terms. Ye hume given tha, to of course m will not be equal to n. Agar m n ke barabar nahi hai, so this cannot be 0. So agar product of two real numbers 0 ke barabar hai, to dono mein se kisi ek ko 0 hona padega. Agar ye 0 nahi hai, to this has to be 0. So it means 2a plus m plus n minus 1 into d, that is 0. Means m plus n upon 2 times 2a plus n minus 1 into d is also 0. And what is this? This is the formula for m plus n terms, that is 0. So ye humne prove karna tha ki jo m plus n terms hai unka sum kiske barabar hai 0. Next example, pth term of an AP is 1 over Q and qth term of an AP is 1 over P, then prove that sum of PQ terms is 1 over 2 PQ plus 1. Solution. Pth term of an AP is 1 over Q. Pth term ka formula laga dete hain. Pth term is 1 over Q. Qth term is 1 over P. Formula of AP is A plus P minus 1 into D. That is given to be 1 over Q. Formula for Qth term is A plus Q minus 1 into D. That is 1 over P. In dono ko solve kar lete hain. Subtracting the two, you get P minus 1 minus Q minus 1 times D is 1 over Q minus 1 over P. यहां से आपके पास आ जाएगा P minus Q times D is P minus Q upon PQ. P minus Q cancel. So D की value आ जाएगी 1 over PQ. Put this value of D here. What do you get? A plus P minus 1 upon 1 into 1 upon PQ is 1 over Q. तो यहां से आ जाएगा A plus 1 over Q minus 1 over PQ is 1 over Q. 1 over Q cancel. यहां से आपके पास आ जाएगा A is 1 over PQ. तो A की भी value 1 over PQ है, D की भी value 1 over PQ है. तो अब हमने क्या करना है? हमने SPQ का formula लगाना है. That is PQ upon 2
a plus p q minus 1 into d. जब आप इसमें a की वैल्यू और d की वैल्यू रखेंगे जो हमने अभी भी निकाली है 1 over pq, 1 over pq, तो यहां से इन चीज को सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1 by 2 times pq plus 1. So this is it. Thank you.